एमपी में इन दिनों लाडली बहना योजना को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, जहां लगातार प्रदेश भर की महिलाएं इस योजना का लाभ लेती नजर आ रही हैं। वहीं टीकमगढ़ दौरे पर आए प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक परिवार को 72,000 रुपए साल के दे रही है। बताइए, क्या आपको कहीं ऐसी सरकार मिली? देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में लाडली बहना योजना को लेकर उत्साह है। प्रदेश भर की महिलाओं में योजना को लेकर उत्साह है। टीकमगढ़ में सीएम शिवराज बोले, हर परिवार को दे रहे 72,000। लाडली बहना ने जताया सीएम शिवराज का आभार। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान हाल ही में जतारा दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक परिवार को 72,000 रुपए साल के दे रही है। बताइए, क्या आपको कहीं ऐसी सरकार मिली? प्रदेश के जिन नागरिकों के रहने के लिए जमीन नहीं है, उनको हम पट्टा देंगे। हम स्कूल के टॉपर बच्चे को स्कूटी दिलवा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च शिवराज सरकार उठा रही है। फीस कितनी भी हो, मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज भरवाएंगे। सुनो बहनों, आज 5 तारीख है, 10 तारीख फिर आ रही है। 10 तारीख को फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। हर महीने 10 तारीख को पैसा खाते में आ जाएंगे। और इस बार तो राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा। और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों, टीवी के माध्यम से आएगा, क्योंकि सबके पास पैसे मैं नहीं पहुंच सकता। आपकी जिंदगी बदल के ही चैन की सांस लेना है। वहीं लाडली बहनाओं ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया और क्या कुछ कहा, सर आप खुद ही सुनिए। सम्मान के लिए और परिवार में एक अपनी मजबूती से एक मिसाल, कम से कम वो अपने बच्चों को, परिवार को जो एजुकेशन देना चाहती हैं या अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो शिवराज सिंह, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो यह राशि दी जा रही है, इसमें मातृशक्ति हमारी सशक्त भी हो रही है, अपना डिसीजन भी ले सकती है और एक ऐसे ऊँचाई पर पहुँच सकती है जहाँ वो अपना डिसीजन खुद कर सकती है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी सभी बहनों का इतना ध्यान रखा और एक लाडले भाई की तरह सब बहनों को उन्होंने अपना जो एक क्या बोलते हैं, एक मजबूती प्रदान की है। तो माननीय शिवराज सिंह मामा जी को, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। योजना में जो पैसा दिया जा रहा है, इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए। जैसे अभी 3 महीने तक तो वो 1,000 दे रहे हैं, उसके बाद उसे 1,250 तक लेके जाने वाले हैं और फिर बाद में 1,500 तक। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ाते हुए वो 3,000 तक ले जाएंगे। ऐसी मतलब उनकी जो घोषणाएं हैं वो पेपर द्वारा हमें माध्यम मालूम पड़ती रहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में इन दिनों लाडली बहना योजना को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, जहां लगातार प्रदेश भर की महिलाएं इस योजना का लाभ लेती नजर आ रही है। वहीं टीकमगढ़ दौरे पर आए प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक परिवार को 72,000 रुपए साल के दे रही है। बताइए, क्या आपको कहीं ऐसी सरकार मिली? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जतारा।